नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी टेरेस पर की गई किचन गार्डनिंग के बारे में। यह है मेथी। ये मैंने पॉलीथीन के बैग में मिट्टी डालकर उससे स्टार्ट करी है। ये एरिका पाम और ये साइड में मनी प्लांट और ये स्ट्रॉबेरी, धनिया, ये है करी पत्ता, एडेनियम, पोर्चुला जिसे हम बिच्छू बेल भी बोलते हैं, क्रिसमस ट्री और ये है गुड़हल, हाइब्रिड गुड़हल, रातरानी और ये है पालक, ऑर्गेनिक पालक, ये है इंग्लिश गुलाब, ये सदाबहार, ये है चाइनीज संतरा और ये है सबसे मेरे को जो पसंद है इसका नाम है वो जो पसंद है इसका नाम है यूफोर्बिया, इसका नाम है यूफोर्बिया मिली। बहुत सुंदर सुंदर फूल लाते हैं। वैसे तो ये कैक्टस श्रेणी का पौधा है पर इसके फ्लावर की वजह से काफी अट्रैक्शन रहता है। ये पिटूनिया और ये गुलदाउदी, ये भी गुलदाउदी है रेड कलर, ये गुलदाउदी व्हाइट कलर, ये कनीर है जो मैंने कटिंग से खुद ही तैयार किया था, ये दूसरा वाला कनीर है, ये वापस गुलदाउदी और ये बहुत सुंदर लगते हैं, मेरे को बहुत पसंद है ये वाले सदाबहार। इसमें चार कलर है, रेड, व्हाइट और ये कौन सा है, पिंक, ये रेड और ये है बोगनवेलिया रेड। ये डबल पेटल मालती। येलो कलर में और ये है गंधराज। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं पर केयर थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है इसकी। और ये है मेरा हाइड्रोपोनिक डच बकेट सिस्टम। इसमें पानी में माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल के और पानी को रोटेट करके पौधे को ग्रो किया जाता है। ये टेक्निक अभी इंडिया में नई आई है, पौधे को ग्रो किया जाता है, ये टेक्निक अभी इंडिया में नई आई है तो इसमें अभी बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी है। ये सिस्टम मैंने तैयार किया है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा है और इसमें देखो दोस्तों, इसमें मैंने पौधा लगा रखा है, ये सब्जियाँ, ये है सफ़ेद गोभी, फूल, गोभी और ये है टमाटर
और ये भी, वो भी हो टमाटर, नीचे वाले पाइप में इसमें लगा रखी है ये ब्रोकली, हरी गोभी जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है और डिलीशियस भी, स्वाद में बहुत अच्छी रहती है। नीचे ये सिस्टम, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें लगा रखी है दोनों तरह की गोभी, एक तो ब्रोकली और एक केबेज, फूल गोभी नहीं पत्ता गोभी, और इसमें बकेट में टब में लगा रखा है, इसमें एक तो टमाटर बीच में और ये बगल में है ब्रोकली। एक ये एनईएफटी सिस्टम वाला स्ट्रक्चर, इसमें लगा रखी है ये पत्ता गोभी। और ये ऊपर लगा रखी है गिल्की और तोरी। इसमें लगभग 4 महीने से हम रेगुलर वेजिटेबल हार्वेस्ट कर रहे हैं गिल्की और तोरी को। आगे है, ये है मिर्ची जो कि गमले में लगा रखी है। ये सीडलिंग जो कि हाइड्रोपोनिक और मिट्टी में शिफ्ट करने के लिए हमने तैयार कर रखी है। और इसमें ये स्ट्रक्चर बनाया था, बहुत रिसर्च करके इस पे और ये स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें बरसात में तिलन नहीं आती और ये 12 महीने काम करने वाला स्ट्रक्चर है। इसमें लगा रखी है ये मिर्च, और ये छोटी वाली मिर्च है, टमाटर है बैंगन, इसमें भी लगा रखे हैं बैंगन, बैंगन आ भी रहे हैं इसमें कुछ कुछ। इसको भी हम 2-3 महीने से काम में ले रहे हैं बैंगन को। बैंगन हमें बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। टमाटर, टमाटर आए हुए हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं दोस्तों। इधर गुलदाउदी लगी हुई है और ये वापस बैंगन है जो बकेट में लगा रखे हैं हमने, और एक गमला है उसमें लगा रखे हैं। ये हमारी घरेलू जरूरत का लगभग 70%, 50 से 70% वेजिटेबल हम यहाँ से काम में लेते हैं जो कि प्योर वेगेनिक और 100% पेस्टिसाइड फ्री है। ये गिलकी लगी हुई है और ये अंजीर का पौधा जो मैं इस बार इसी सीजन में मैंने लगाया था, और ये नीचे बोगनवेलिया लगा रखा है। ये येलो कलर वाला बोगनवेलिया है, इसी बोगनवेलिया पर मैंने इस सीजन में ये पिंक कलर वाली बोगनवेलिया ग्राफ्ट करी थी। बोगनवेलिया में भी काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने नीचे मकान के बाहर लगा रखा है। ये है अंगूर, ग्रेप्स जो भी सदाबहार है, इसमें एक सीजन का ग्रेप्स हमने हार्वेस्ट कर भी लिए और अभी कुछ ग्रेप्स आए हुए हैं भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेप्स लगे हुए हैं इसमें, ये
ये देखिए दोस्तों कितने सारे ग्रेप्स के गुच्छे आए हुए हैं। बैंगन, बैंगन जो हमारे घरेलू जरूरत के अलावा कभी एक्स्ट्रा होते हैं तो हम पड़ोस में भी दे देते हैं। बैंगन हमारे जरूरत के अलावा भी काफी एक्स्ट्रा आए हुए हैं। ये देखिए ये आए हुए हैं बैंगन।